Is everything ready? जी जनाब, हमारी सारी तैयारी पूरी है जनाब। अब से ठीक 2 घंटे के बाद हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की उस चौकी पर जबरदस्त हमला कर देंगे, जिसे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और हमारे इस हमले से जैसे ही हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वैसे ही पुलवामा जैसी एक और गहरी चोट हिंदुस्तान की छाती पर लगेगी। शाबाश, हिंदुस्तान की छाती पर हमें ऐसे ही लगातार चोटें तब तक करते रहना है जब तक उसकी छाती छलनी छलनी ना हो जाए। ऐसा होने में अब ज्यादा समय नहीं है जनाब। हमारे आला हुक्मरान जो प्लान्स बना रहे हैं, हम उन पर एक्शन करके ऐसा जल्दी ही कर देंगे। किसी को इस हमले की खबर तो नहीं है? जी नहीं जनाब, सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा गया है। सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आला अफसरों ने प्लान किया था। बहुत अच्छा, हमें उम्मीद है पुलवामा अटैक की तरह हमारा ये अटैक भी हिंदुस्तानी हुक्मरानों को तिल मिलाकर रख देगा। पाकिस्तान की सीमा में मौजूद पाकिस्तानी सेना चौकी पर हिंदुस्तान के लिए किसी हमले की बड़ी साजिश चल रही थी कि तभी अचानक वहां भारतीय सैनिकों ने चौकी की तरफ से एकाएक गोलाबारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए पाकिस्तानी सैनिक अभी क्या हुआ के सागर में गोते लगा ही रहे थे कि वहां अलर्ट सायरन की आवाज गूंज उठी। सभी ने बिजली की तेजी से अपने अपने हथियारों को संभाला और तभी एक और आवाज वहां गूंजने लगी। सभी पोजीशन ले लो, हिंदुस्तानियों ने हम पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर, लेकिन ये सब हुआ कैसे? यहां का सारा मिशन तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को कानो कान इसकी खबर तक नहीं थी। पाकिस्तान जिस नापाक साजिश का प्लान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कर रहा था, उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। मगर सवाल यह था कि आखिर यह इन्फॉर्मेशन बाहर गई कैसे? दरअसल पाकिस्तान की एक खुफिया आर्मी बटालियन सालों से देश पर राज करने और विश्व विजेता बनने का वो फॉर्मूला ढूंढ रही है जो है हिंदुस्तान की किसी खुफिया जेल में। और इस फॉर्मूले को हासिल करने का काम उस शख्स को दिया गया है जिसे पाकिस्तान के वजीर आला चमत्कार कहते हैं, और उसी शख्स को भारत के प्रधानमंत्री ब्लैक टाइगर भी कहते हैं। ब्लैक टाइगर भारतीय इतिहास में दर्ज वो नाम है जिसे सुना तो हर किसी ने है मगर जाना मुश्किल से ही है। ब्लैक टाइगर यानी रविचंद्र कौशिक एक अंडरकवर स्पाई के रूप में जब किसी खास मिशन से पाकिस्तान गया तो उसके सामने कई कठिनाइयां आईं, पर उस जाबाज ने अपने दिमाग से एक ही झटके में पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया और ब्लैक टाइगर कहलाया। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने ब्लैक टाइगर को यातनाएं देकर तोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उस हिंदुस्तानी वीर ने अपनी जुबान पर वो शब्द आने नहीं दिया जिसे पाकिस्तानी सरकार के कान सुनने के लिए बेकरार थे। आज वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी कहानी हमारे बीच है। ऐसे बहादुर इंडियन स्पाई की कहानी जिसकी रगों में खून नहीं बल्कि भारत मां के लिए प्यार बहता है, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ हिंदुस्तान की जीत है। भारत मां की सेवा के लिए उस मां भारती के लाल ने अपना परिवार, धर्म, देश और खुद की पहचान तक को छोड़ दिया, मगर हिंदुस्तान के लहराते तिरंगे पर दुश्मनों की नजर तक नहीं उठने दी। तो फिर देर क्यों करनी दोस्तों, अभी सुनिए एक सच्चे देशभक्त ब्लैक टाइगर की कहानी। रात के सन्नाटे और अंधेरे ने पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के उस आखिरी गांव को पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा था। कड़कड़ाती ठंड ने मानो ठान लिया था कि वो आज हर शख्स की नसों में दौड़ते लहू को जमा देगी। ऐसे में उस गांव के पास मौजूद झाड़ियों के नीचे बने छोटे छोटे बंकरों से निकलकर कुछ साए अपनी छाती और कोहनियों के बल पर जमीन से चिपक कर उस गांव की तरफ बढ़ रहे थे। उन सायों की आंखों पर अंधेरे को चीर कर देखने वाले इंफ्रारेड चश्मे
और हाथों में आधुनिक हथियार और शरीर पर भारतीय सेना की वर्दी दिखाई दे रही थी। तभी अचानक एक साय के मुंह से हल्की सी कराह निकली तो दूसरा उससे बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बड़ा कंकर कोहनी के नीचे आ गया था। ओह, फिर तो कोहनी छिल गई होगी, खून निकलने लगा होगा उससे। हाँ सर, पर हमें रुकना नहीं है, तब भी नहीं जब सारा शरीर छलनी हो जाए और खून का एक एक कतरा बह जाए, क्योंकि अगर हम रुक गए तो हमारा शरीर तो खुश होगा लेकिन हमारा देश बुरा मान जाएगा। तभी तीसरा साया बोला, शाबाश, देखना हमारा यही जज्बा जल्द ही दुश्मन के सिर पर चढ़कर बोलेगा और उसे खामोश करके राख में मिला देगा। सर, मैं ही नहीं, हमारे सारे साथी बेताब हैं दुश्मन का मुंह तोड़ देने वाला जवाब देने के लिए। कब करेंगे हम ऐसा? बस समय आ ही गया है और ये समय हमारे दुश्मन का आखिरी समय होगा। उस साय ने अपनी कलाई पर बंधी रेडियम रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए कहा और फिर अपने हाथ में थामे मिनी वायरलेस के एक बटन को छुआ और बोला, वी आर रेडी विक्रम सर। उसी समय उस जगह से कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा में मौजूद पाकिस्तानी सेना चौकी पर सेना के सबसे जाबाज कहलाए जाने वाले कमांडर अशरफ बिलाल ने अपने सामने खड़े लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर से पूछा, इज एवरीथिंग रेडी? जी जनाब। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने अपने शरीर को और सीधा तानते हुए आवाज में पूरा सम्मान और जोश भरते हुए कहा, हमारी सारी तैयारी पूरी है जनाब। अब से ठीक 2 घंटे के बाद हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की उस चौकी पर जबरदस्त हमला कर देंगे जिसे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, और हमारे इस हमले से जैसे ही हिंदुस्तान की वो रीढ़ की हड्डी टूटेगी, वैसे ही पुलवामा जैसी एक और गहरी चोट हिंदुस्तान की छाती पर लगेगी। अशरफ बिलाल, शाबाश, हिंदुस्तान की छाती पर हमें ऐसे ही लगातार चोटें तब तक करते रहना है जब तक उसकी छाती छलनी छलनी ना हो जाए। ऐसा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है जनाब, हमारे आला हुक्मरान जो प्लान्स बना रहे हैं हम उन पर एक्शन करके ऐसा जल्दी ही कर देंगे। अपने लेफ्टिनेंट कमांडर की बात सुनकर कमांडर बिलाल को जैसे कुछ याद आया और वो तपाक से बोला, किसी को इस हमले की खबर तो नहीं है? जी नहीं जनाब, सीक्रेसी का पूरा ख्याल रखा गया है, सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे आला अफसरों ने प्लान किया था। किसी को कानो कान खबर नहीं है इस हमले की, इसी के साथ हमारी सारी तैयारियां भी पूरी हैं। बहुत अच्छा, हमें उम्मीद है पुलवामा अटैक की तरह हमारा ये अटैक भी हिंदुस्तानी हुक्मरानों को तिल मिला कर रख देगा। खैर, आप चाहें तो अपने साथियों को कुछ देर के लिए आराम करने के लिए कह सकते हैं, फिर हमले के लिए तैयार होना है। जी जनाब। ये कहने के साथ ही लेफ्टिनेंट बशीर अपने साथियों को आदेश देने में जुट गया। आराम करने के आदेश से पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी राहत महसूस हुई। कुछ देर में ही लगभग हर पाकिस्तानी सैनिक गहरी नींद में सो गया, इस बात से बेखबर होकर कि एक बहुत बड़ी आफत उनके करीब पहुंच चुकी है। अभी ये सारे पाकिस्तानी सैनिक नींद के आगोश में खोए हुए ही थे कि तभी अचानक वहां भारतीय सैनिकों ने चौकी की तरफ से एकाएक गोलीबारी शुरू कर दी। हड़बड़ाए पाकिस्तानी सैनिक अभी क्या हुआ के सागर में गोते लगा ही रहे थे कि वहां अलर्ट सायरन की आवाज गूंज उठी। सभी ने बिजली की तेजी से अपने अपने हथियारों को संभाला और तभी एक और आवाज वहां गूंजने लगी, सभी पोजीशन ले लो, हिंदुस्तानियों ने हम पर हमला कर दिया है। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर बोले, लेकिन यह सब हुआ कैसे? यहां का सारा मिशन तो बहुत ही सीक्रेट था, किसी को कानो कान इसकी खबर नहीं थी। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर के इस सवाल पर कमांडर अशरफ बिलाल चीख पड़े, सवाल अच्छा है लेकिन वक्त खराब है लेफ्टिनेंट, ये वक्त जवाब ढूंढने का नहीं बल्कि दुश्मन के हमले का जवाब देने का है। बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए लेफ्टिनेंट बशीर के मुंह से इतना ही निकला। जी जनाब। सभी पाकिस्तानी सैनिकों में हड़बड़ी मच गई, किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक इतनी खास सीक्रेसी के बाद भी हुआ कैसे। दरअसल जब ये सारे लोग अपनी नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए जोश भर रहे थे तभी इनकी सीमा के नजदीक वो बेआवाज हेलीकॉप्टर हवा में स्थिर खड़ा था। उससे एक मजबूत स्टील रोप नीचे लटक रही थी
जिसकी सहायता से जो सैनिक हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ उतर रहे थे उनके शरीरों पर मौजूद वर्दी इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थी कि वे भारतीय सैनिक हैं। वे भारतीय जाबाज सैनिक जिनका नेतृत्व कर रहा था मेजर विक्रम खटाना। हेलीकॉप्टर से लटकी स्टील रोप की मदद से जैसे ही आखिरी सैनिक ने उतर कर जमीन पर पांव रखा, वैसे ही मेजर विक्रम खटाना ने अपनी रिस्ट वॉच को अपने मुंह के पास लाकर बोला, हम ज्यादा देर तक पाकिस्तानी रेडार सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते, तुरंत वापस हिंदुस्तान की सीमा में पहुंचो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। मेजर विक्रम खटाना ने उस हेलीकॉप्टर को लीड कर रहे पायलट को आदेश दिया और वो तुरंत बिना कोई आवाज किए हुए हेलीकॉप्टर को वापस मोड़कर हवा में कहीं ओझल हो गया। मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों से बोले, हम पाकिस्तानी जमीन पर हैं साथियों, हमें इस जमीन की मिट्टी को पाकिस्तानी सैनिकों के नापाक खून से लाल कर देना है। एक सैनिक बोला, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर, आप हमले का प्लान बताएं। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, सामने से और पीछे से हमला दो तरफ से करने का प्लान था हमारा, लेकिन अब चूंकि हम यहां पर मौजूद हैं इसलिए मैंने इस हमले को चौतरफा करने का प्लान बना लिया है। लेकिन ऐसा कैसे होगा सर? बताऊंगा, आओ मेरे साथ। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों के साथ दुश्मन की तरफ बढ़ गया। भारत से सटी हुई पाकिस्तानी सीमा के अंदर मौजूद उस बड़ी पाकिस्तानी सैनिक चौकी पर हमला करने के लिए भारतीय जांबाज सिपाही मेजर विक्रम खटाना अपने साथियों के साथ उपस्थित थे और इस समय वो एक मैप को स्टडी करते हुए अपने साथियों को बता रहे थे। भारत पर एक बड़ा हमला करने के लिए पाकिस्तान में इस विशेष चौकी को रातों रात यहां बना दिया गया है। इस मैप की लोकेशन और मिली हुई इंफॉर्मेशन के अनुसार इस चौकी पर हर वो हथियार मौजूद है जो हमारे देश को गहरी चोट दे सकता है। एक सिपाही बोला, अभी आपने बताया मेजर कि पाकिस्तान की यह चौकी रातों रात यहां बनी है, फिर इतनी जल्दी हम तक इसकी इतनी पुख्ता इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची? ये सोचना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। हमारा काम है उनके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेना, वो भी चौतरफा। और हम ऐसा तभी कर पाएंगे जब इस मैप के सहारे समझ पाएंगे कि कहां क्या है। सो कम टू द पॉइंट नाउ। इस चौकी में घुसने के दो रास्ते हैं। पहले रास्ते से हम अंदर घुसेंगे और दूसरे रास्ते को दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक सिपाही ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? मेजर ने जवाब दिया, इसका एक्शन प्लान बाद में पता चलेगा, इसलिए पहले इस मैप प्लान को ध्यान से सुन लो। इस मैप के अनुसार जैसे ही हम दूसरे रास्ते से इस चौकी के अंदर घुसेंगे, वहां से 300 मीटर चलने के बाद हमें दाईं तरफ एक रूम दिखाई देगा। उसी में पाकिस्तानी सेना ने अपने हथियार और गोला बारूद को भर कर रखा हुआ है। पाकिस्तानियों ने उसे स्टोर रूम का नाम दिया है। हमारा टारगेट वही स्टोर रूम होगा, लेकिन हम चारों के लिए उस टारगेट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस स्टोर रूम को बचाने के लिए पाकिस्तानी सिपाही अपना पूरा दमखम लगा देंगे और जिनकी संख्या यहां सैकड़ों में हो सकती है। एक दूसरा सिपाही बोला, यानी उस स्टोर रूम तक पहुंचना नामुमकिन हो सकता है? मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, एग्जैक्टली, लेकिन हम उस नामुमकिन को मुमकिन करने ही तो यहां पर आए हुए हैं, और हम ऐसा करेंगे तभी तो हम अपनी वर्दी की इज्जत और अपने देश का सम्मान बचा पाएंगे। आओ। जल्द ही मेजर विक्रम खटाना अपने तीनों साथियों को लेकर दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे रास्ते पर आ पहुंचे और बोले, सभी अपनी अपनी मिनी ड्रिल मशीन को निकालकर इस रास्ते पर छोटे छोटे गड्ढे करने में जुट जाओ। कोई हमें देख लेगा, इसकी चिंता मत करना। इस समय सामने की तरफ से हमारे साथियों ने जो हमला किया हुआ है, यहां मौजूद पाकिस्तानी सिपाही उसका जवाब देने में जुटे हुए हैं। हमें यहां अपना काम करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। चलो काम शुरू करो। तीनों साथी अपने अपने हाथों में थमी उन बे आवाज मगर शक्तिशाली मिनी ड्रिल मशीनों से वहां छोटे छोटे गड्ढे करने में जुट गए। और जैसे जैसे वे गड्ढे खोदने का अपना काम पूरा कर रहे थे, वैसे वैसे मेजर विक्रम खटाना उन गड्ढों को बंद करने का अपना काम कर रहे थे। जल्द ही अपना काम खत्म करके मेजर विक्रम खटाना ने अपने हाथ में बंधी अपनी रिस्ट वॉच का एक बटन दबाया और अपने साथियों से कहा,
अब से ठीक 3 मिनट बाद यहां हंगामा शुरू हो जाएगा। हमारे पास इतना ही समय है कि हम दूसरे रास्ते पर पहुंचकर अपनी दूसरी रणनीति पर काम करें। आओ। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी और उनके तीनों साथियों ने भी यही किया। अगले 2 मिनट में वे सभी दूसरे रास्ते के मुहाने पर खड़े थे और विक्रम खटाना उनसे कह रहे थे, वो सामने 50 मीटर दूर पार्किंग में जो पाकिस्तानी आर्मी ट्रक खड़ा हुआ है, हमें उस तक पहुंचना है। पाकिस्तानी सिपाहियों की नजर पार्किंग पर होगी, इसलिए वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन जो काम हम पीछे करके आए हैं वो काम इस काम को आसान बनाएगा, और ऐसा होने में थोड़ा वक्त बाकी है। थोड़े से समय में वहां बहुत कुछ होने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना को इसकी जरा भी खबर नहीं थी। वो तो पूरी मुस्तैदी से सामने की तरफ से होते हिंदुस्तानी सेना के हमले का जवाब देने में जुटी हुई थी, और उनका कमांडर अशरफ बिलाल चीख चीख कर उनके जोश को बढ़ा रहा था, शाबाश, हिंदुस्तानियों पर ऐसे ही बारिश की बूंदों की तरह गोलियां बरसाते रहो ताकि वे 1 इंच भी अपने कदम को आगे ना बढ़ा पाए। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर भी अपने कमांडर का साथ देता हुआ बोला, गोला बारूद और गोलियों की चिंता मत करना, यहाँ स्टोर रूम में इतना गोला बारूद है कि अगर हम 10 साल भी लगातार हिंदुस्तानियों से लड़ते रहे तो भी वो कम नहीं पड़ेगा। कमांडर अशरफ बिलाल ने कहा, हिंदुस्तानियों को इतना कमजोर भी मत समझो लेफ्टिनेंट, वे भी पूरी तैयारी से आए होंगे। लेफ्टिनेंट बशीर ने जवाब दिया, लग तो ऐसा ही रहा है जनाब, लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। हमारी इस इतनी गुप्त चौकी पर उनका पूरी तैयारी के साथ अटैक करना ये बता रहा है कि उन्हें हमारे सारे प्लान्स की खबर है, जबकि पाकिस्तानी हाई कमान के कुछ टॉप ऑफिसर्स के सिवा इस चौकी के बारे में कोई नहीं जानता। कमांडर अशरफ बिलाल ने जवाब दिया, पता चलेगा, इसका भी पता चलेगा लेफ्टिनेंट। कमांडर अशरफ बिलाल की बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि तभी अचानक वहां पीछे की तरफ गूंजे कई धमाकों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। कमांडर अशरफ बिलाल बुरी तरह चौंक कर बोला, पाकिस्तानी सिपाहियों को उस ट्रक में कोई नहीं दिखा, मगर मेजर विक्रम खटाना और उनके तीनों साथी ट्रक पर ही थे। ट्रक के नीचे वाले हिस्सों को पकड़कर उन्होंने अपने आप को छिपकली की तरह ट्रक से चिपकाया हुआ था, और उस समय उन्होंने अपने हाथों को ट्रक से छोड़कर खुद को आराम से जमीन पर गिरा लिया जब उन्होंने ट्रक को चारों तरफ से सिपाहियों से घिरा देखा। अगले ही पल चारों ने कलाबाजियां खाकर अपने आप को ट्रक के नीचे से निकाला और अपनी अपनी गनों से धुआंधार गोलियों की बरसात कर दी। ट्रक के आसपास मौजूद पाकिस्तानी सिपाहियों को पता ही नहीं चला कि कब हिंदुस्तानी गोलियां उनके शरीरों में सुराख करती हुई चली गई और उनके शरीरों से आत्मा निकलकर परमात्मा से मिलने चली गई। मेजर विक्रम खटाना जबड़े भींच कर गोलियां चलाते हुए चीख कर अपने साथियों से बोले, कोई बचना नहीं चाहिए, सभी को भून डालो। उनके एक दूसरे साथी ने जवाब दिया, चिंता मत कीजिए सर, एक एक गोली काम आएगी, हर अलग गोली पर अलग दुश्मन का नाम लिखा है। तभी अपने आप को बचाता हुआ कमांडर अशरफ बिलाल चीखा, यह जिंदा बचकर नहीं जाने चाहिए, जब इनकी लाश यहां से जाए तो इनके शरीरों में इनके वजन से ज्यादा गोलियां होनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने भी चीख कर अपने सैनिकों को हिदायत दी, इनका निशाना स्टोर रूम हो सकता है, ध्यान रहे इनमें से कोई भी वहां पहुंचने ना पाए। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, हम अर्जुन के देश के हैं कमीनों, हम जो लक्ष्य साध लें उसे बिना भेदे वापस नहीं जाते, अगर हम हथियारों से भरे उस स्टोर रूम को अपना निशाना बनाने आए हैं तो उसे अपना निशाना बनाए बिना यहां से नहीं जाने वाले, जान रहे या ना रहे। मेजर विक्रम खटाना और उनके साथी दुश्मनों को दुश्मनों के घर में ही खत्म करने का जो इरादा लेकर आए थे उसे वे सभी पूरे तरीके से अंजाम देने में लगे हुए थे। उनके हथियारों से निकली गोलियां दुश्मनों की जान की दुश्मन बन रही थीं। लाशें बिछाने में ना मेजर विक्रम खटाना पीछे थे और ना ही उनके साथी, चारों तेजी से स्टोर रूम की ओर बढ़ रहे थे। तभी अचानक
ठीक उनके सामने आकर फूटे उस बम ने उनके कदमों को रोक लिया। मेजर विक्रम खटाना सहित उनके तीनों साथी बम के धमाके की चपेट में आकर कई फुट ऊपर हवा में उछले और फिर नीचे गिरे। सबसे पहले मेजर विक्रम खटाना ने अपने आप को संभाला। उन्होंने संभल कर देखा तो धूल के गुबार में भी उन्हें अपने दो साथियों की लाशें अपने पास पड़ी दिखाई दी, जबकि उनका एक साथी मौत से जूझ रहा था। मेजर विक्रम खटाना तुरंत उसे संभालते हुए उससे बोले, हरभजन तुम ठीक तो हो ना? हरभजन, घायल हरभजन बड़ी मुश्किल से बोला, जी सर मैं ठीक हूं, लेकिन इस समय महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दुश्मन ठीक नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगा हरभजन, मैं एक एक के लहू से यहां की धरती लाल कर दूंगा। सर आप मुझसे सीनियर हैं सर, एक बात कहना चाहूंगा, आप बहुत बहादुर हैं सर, लेकिन आपका दिमाग आपसे भी ज्यादा बहादुर है। हम दुश्मनों के जिस खेमे में हैं, अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करके दुश्मनों को खत्म तो कर देंगे, लेकिन शायद हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा सर। तुम कहना क्या चाहते हो हरभजन? हमें अपना मिशन पूरा करना है सर, और उसके लिए आपको अपने दिमाग की बहादुरी से काम लेना होगा। तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज सर आप दिमाग की बहादुरी से काम लीजिए। शरीर की बहादुरी के लिए ये हरभजन है ना, आपकी तरफ बढ़ती हर गोली को अपने सीने पे झेलेगा। लेकिन हरभजन फिर भी सर, लेकिन वेकिन करने का समय नहीं है, दुश्मन सिपाही हमारी तरफ भागे आ रहे हैं। मैं उन्हें रोकने का काम करता हूं, आप उन्हें नेस्तनाबूद करने का काम कीजिए। जाइए सर प्लीज जाइए। ओके हरभजन, बेस्ट ऑफ लक। इतना कहकर विक्रम खटाना ने तेजी से एक तरफ दौड़ लगा दी, जबकि पीछे छूट गया हरभजन अपनी गन से दुश्मनों पर गोलियां बरसाता हुआ चिल्लाया, आ जाओ, जिसे जिसे जहन्नुम का टिकट चाहिए वो जल्दी जल्दी आओ मेरे सामने। पाकिस्तानी सिपाही भी पोजीशन लेकर जवाबी फायर करने लगे। एक पाकिस्तानी सिपाही बोला, ये चार थे, इनमें से दो के तो बम ब्लास्ट में चिथड़े उड़ गए, एक यहां सामने मौजूद है, चौथा कहां गया? दूसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, जो सामने है पहले उसे जहन्नुम की आग में झोंकने का काम करो, इसका चौथा साथी भी यहीं कहीं होगा। तीसरा पाकिस्तानी सिपाही बोला, सही कहा, उस चौथे का ना तो यहां से निकल पाना आसान है और ना ही हमसे छिपना, क्योंकि जिस तरफ वो मौजूद है वहां हजारों फुट गहरी खाई के सिवा कुछ नहीं है। हरभजन का शरीर पाकिस्तानी सैनिकों की चलाई धुआंधार गोलियों की चपेट में आकर और भी घायल हो गया था, लेकिन हरभजन ने अपने हौसले को घायल नहीं होने दिया था। उसी हौसले की बदौलत वो दुश्मनों से बराबर लोहा ले रहा था, पर तभी अचानक हरभजन के जवाबी हमले रुक गए। कारण था असले का खत्म हो जाना, और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। एक पाकिस्तानी सिपाही बोला, बस अब बंदर की तरह गुलाटियां मारना बंद कर और जिंदगी भर पाकिस्तान की जेल में सड़ने की तैयारी कर। बंदर हो गए तुम, हम हिंदुस्तानी शेर हैं, और हिंदुस्तानी शेर पिंजरे में बंद होने की जगह मर जाना पसंद करता है। इतना कहकर हरभजन ने अपने मुंह में रखे हुए साइनाइड का कैप्सूल चबा लिया। पलक झपकते ही उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। हरभजन को जीवित गिरफ्तार करने की आस लगाए पाकिस्तानी सिपाही हाथ मलने के सिवा कुछ ना कर सके। हरभजन की मौत ने कमांडर अशरफ बिलाल को और ज्यादा परेशान कर दिया। उस हिंदुस्तानी का जिंदा गिरफ्तार होना बहुत जरूरी था लेफ्टिनेंट बशीर, क्योंकि हमें उससे ये राज उगलवाना था कि आखिर कैसे इस चौकी की खबर हिंदुस्तान पहुंची। लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर ने जवाब दिया, हमारे आदमियों ने उसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की थी सर, लेकिन उसने अपने मुंह में साइनाइड का कैप्सूल छिपा रखा था,
इसकी हमें खबर नहीं थी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अभी भी खेल हमारी मुट्ठी में है। हमें जो राज चाहिए हम उस चौथे हिंदुस्तानी से उगलवा सकते हैं जो अब भी जिंदा है। जिंदा तो है लेकिन कहां है? हमारी आंखों से तो वो अभी दूर ही है ना? आप सही फरमा रहे हैं जनाब, लेकिन हमारे सिपाही उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। वो बहुत जल्द हमारे शिकंजे में होगा। गुड। और हाँ, हिंदुस्तानी सीमा की तरफ से हम पर जो हमला हो रहा था उसकी क्या पोजीशन है? हमला जारी है जनाब, और हमारी तरफ से उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। कंट्रोल रूम से मैं खुद उस हमले की एक एक मिनट की खबर रख रहा हूं। शाबाश, अब पूरा ध्यान अपनी चौकी से गायब हुए उस चौथे हिंदुस्तानी को ढूंढने में लगा दो जो हमें हर हाल में जिंदा चाहिए। और फिर तुरंत लगभग पूरी चौकी उस चौथे हिंदुस्तानी की खोज करने में लग गई। एक सिपाही ने कहा, वो इधर ही भागकर आया था। अगर वो इधर आया है तो यहां से कहीं और जा नहीं सकता, क्योंकि इधर हजारों फुट गहरी खाई में कूदने के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और जिसे अपनी मौत का जरा भी खौफ होगा ना, वो इस हजारों फुट गहरी खाई की तरफ देखेगा भी नहीं। तो फिर वो कहां गया? चौथे हिंदुस्तानी यानी मेजर विक्रम सिंह खटाना को खोजते हुए पाकिस्तानी सिपाही शायद थक गए थे। तभी एक सिपाही बोला, वो इधर कहीं लगता नहीं है, उसे चौकी में ही कहीं देखना होगा। क्या पता नजर चुरा कर वो अंदर ही ना चला गया हो। हाँ, हो सकता है, एक दूसरे सिपाही ने कहा, और सभी वापस लौट गए। लेकिन वापस लौटे वे पाकिस्तानी सिपाही नहीं जानते थे कि जिस चौथे हिंदुस्तानी की खोज में वे भटक रहे हैं वो न जमीन पर था और न ही आसमान में, बल्कि वो हजारों फुट गहरी खाई के बीच में लटका हुआ था। उस पतली लेकिन मजबूत स्टील रोप के सहारे जो अपने सिरे पर बंधे हुक की वजह से ऊपर मौजूद एक चट्टान से अटकी हुई थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अगर सही समय पर इस स्टील रोप की मदद से खाई में लटकने का आइडिया ना आया होता तो मैं वहां पाकिस्तानी सिपाहियों की नजर में आ गया होता। और अब मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता, क्योंकि अब मुझे हरभजन की ये बात सिद्ध करनी है कि मैं अपनी दिमाग की बहादुरी से यहां के दुश्मनों को मटिया मेट कर सकता हूं। अपने साथियों का विश्वास और अपनी भारत मां के सम्मान को बचाने के लिए वो जाबाज भारतीय सिपाही एक पतली स्टील रोप से उस खाई में तब तक लटका रहा जब तक उसे इस बात का यकीन नहीं हो गया कि ऊपर रास्ता साफ है। फिर वो स्टील रोप के सहारे तेजी से चढ़ता हुआ ऊपर आ गया। चौकी पर मौजूद एक एक दुश्मन सिपाही मेरी तलाश में लगा हुआ है, ऐसे में मेरा फिर से चौकी के अंदर दाखिल होना कतई आसान ना होगा। लेकिन अगर दुश्मन को नेस्तनाबूद करना है और उसे गहरी चोट पहुंचानी है तो मुझे चौकी में दाखिल होना ही होगा। ऐसा सोचते हुए कैप्टन विक्रम खटाना ने अपनी पॉकेट में रखे चौकी के लोकेशन मैप को बाहर निकाला। जल्द ही उनकी आंखें पूरी तल्लीनता और गहराई से उस मैप के हर इंच का अवलोकन करती हुई उसमें अपने मतलब की चीज ढूंढने में जुट गईं। और फिर वो अपने आप से पूरे जोश के साथ बोल उठे, मिल गया रास्ता। उस ऊंची पहाड़ी पर मौजूद उस इलेक्ट्रिक हाई टेंशन वायर के रूप में जो बिजली की सप्लाई देने के लिए चौकी के ऊपर से होती हुई चौकी पर बने मिनी पावर स्टेशन तक पहुंच रही है। मुझे उस पहाड़ी पर पहुंचना होगा जो शायद यहां से ज्यादा दूर नहीं है। अगले ही पल पाकिस्तानी चौकी पर पहुंचने वाले रास्ते तक जाने के लिए मेजर विक्रम खटाना सीधा पहाड़ी की चढ़ाई वाले उस रास्ते पर चल पड़े जहां से हल्की सी चूक होने का मतलब था हजारों फुट गहरी मौत की खाई में जा गिरना। मगर मेजर विक्रम खटाना का हौसला उस खाई से भी गहरा था। एक एक पत्थर को होशियारी से अपने हाथों से पकड़ते हुए मेजर विक्रम खटाना आखिर अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। मेरा आगे का सफर इस हाई टेंशन वायर पर शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इसकी भी तैयारी करनी है कि मेरा यह सफर इस चौकी पर मौजूद पाकिस्तानी सिपाहियों के सर पर कहर बनकर टूटे।
ये कहकर मेजर विक्रम खटाना ने चाकू से अपनी पेंट की साइड पॉकेट में छोटे छोटे छेद कर लिए और फिर अपने पास मौजूद सभी माइक्रो बम्स को उन पॉकेट्स में भर लिया। अपनी पैंट की बेल्ट को खोलकर उसे हाई टेंशन वायर के ऊपर से निकालकर उसे दूसरे हाथ से पकड़ा और फिर अपने शरीर को एक तेज झटका दिया। अगले ही पल हाई टेंशन वायर पर तेजी से फिसलती बेल्ट को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर लटके मेजर विक्रम खटाना का शरीर उस पाकिस्तानी चौकी की तरफ बढ़ने लगा, जबकि इधर चौकी के कंट्रोल रूम में बैठा लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर लगभग खुशी से नाचता हुआ वायरलेस पर अपने कमांडर अशरफ बिलाल को सूचना दे रहा था। जनाब, सामने से जितने भी हिंदुस्तानी सिपाही हम पर हमला कर रहे हैं, उन सबको हमारी मिसाइल ने अपने टारगेट पर ले लिया है। बस एक बड़ा धमाका होगा और सभी के सभी फना हो जाएंगे। जवाब में कमांडर अशरफ बिलाल की आवाज वायरलेस पर गूंजी। अगर ऐसी बात है तो देर किस बात की लेफ्टिनेंट, होने दो धमाका, होने दो हिंदुस्तानियों को फना। जी जनाब, आपके हुक्म की तुरंत तामील होगी। थोड़ी ही देर में आपको सुनाई देगा एक बड़ा धमाका। तभी वहां हुए उस धमाके ने लेफ्टिनेंट कमांडर बशीर के शरीर के साथ साथ उसके हाथों से वायरलेस को भी दूर उछाल दिया। दूर जा गिरे उस वायरलेस से कमांडर अशरफ बिलाल की घबराई हुई आवाज गूंजने लगी। हेलो हेलो लेफ्टिनेंट, क्या हुआ? ये धमाका कैसे हुआ? हेलो हेलो। धमाका एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार हो रहे थे और उन धमाकों से वो पाकिस्तानी चौकी तबाह हो रही थी और तबाह हो रहे थे उस चौकी पर मौजूद पाकिस्तानी सिपाही। ये कारनामा किसी और का नहीं बल्कि मेजर विक्रम खटाना का ही था, जो इस समय अपने हाथों में थमी बैलेट की मदद से ऊपर से गुजरती हाई टेंशन वायर पर लटके हुए थे और उनकी पॉकेट्स के छेद से गिरते माइक्रो बॉम्ब उस पाकिस्तानी चौकी पर लगातार वो बड़े धमाके कर रहे थे जो वहां अब तबाही मचा रहे थे। जोश में भरे मेजर विक्रम खटाना ने कहा, भारत माता के सुपूतों से टकराने का यही अंजाम होता है सालो। मौत और तबाही कब सिर पर चढ़कर जिंदगी को निगलने लगती है पता ही नहीं चलता। फिर जैसे ही मेजर विक्रम खटाना की नजर नीचे पड़ी, वैसे ही उन्हें आभास हुआ, मैं इस समय स्टोर रूम की छत के ठीक ऊपर हूं। हाई टेंशन वायर के जरिए होने वाला मेरा ये सफर यहीं खत्म हो जाना चाहिए। और फिर मेजर विक्रम खटाना ने तुरंत बेल्ट को अपने हाथों से छूट जाने दिया। उनका शरीर हवा में लहराया। कुछ ही पलों में उनके पांव स्टोर रूम की छत पर आ टिके। इधर लाउडस्पीकर के माइक पर कमांडर अशरफ बिलाल जोर जोर से चीख रहा था, अरे ये धमाके कैसे हो रहे हैं? कौन कर रहा है? रोको इन धमाकों को। इन धमाकों को रोकने वाला कोई नहीं है अशरफ बिलाल। इस चौकी पर मौजूद तेरे सारे सिपाही या तो धमाकों की चपेट में आकर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं या जान बचाकर भाग खड़े हुए हैं। अचानक पीछे से गूंजी इस आवाज को सुनकर कमांडर अशरफ बिलाल तेजी से पीछे पलटा और उसे मेजर विक्रम खटाना सामने खड़ा दिखाई दिया। वो लगभग चीख पड़ा, कौन हो तुम? मेरे शरीर पर मौजूद हिंदुस्तानी फौज की वर्दी को देखकर तुझे यह समझ जाना चाहिए अशरफ बिलाल कि मैं वो हिंदुस्तानी हूं जिसने तुम्हारी इस चौकी और तुम्हारे इरादे को नेस्त नाबूद कर दिया है। कमांडर अशरफ बिलाल के हलक से निकली वो आवाज आश्चर्य से लबालब डूबी हुई थी। अकेले तुमने मचाई है ये तबाही? तुम जैसे गीदड़ों के झुंड में तबाही मचाने के लिए एक हिंदुस्तानी शेर ही काफी है। वैसे इस तबाही का आखिरी सीन अभी सामने आना बाकी है, उस बड़े धमाके के रूप में जो इस चौकी पर मौजूद हजारों टन बारूद को राख में बदल देगा। पाकिस्तानी आर्मी में सबसे जांबाज सिपाही के नाम से मशहूर कमांडर अशरफ बिलाल आंखें फाड़े अपने सामने खड़े मेजर विक्रम खटाना को देख रहा था। तुम अकेले यह सब कैसे कर सकते हो? जिसके सीने में तुम जैसे नापाक लोगों से देश की आबरू बचाने की आग हो, वो कुछ भी कर सकता है
और हर हिंदुस्तानी के दिल में ऐसी ही आग है। कमांडर अशरफ बिलाल दांत पीस कर बोला, गुरूर की गर्मी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है हिंदुस्तानी। किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है इसलिए तुम ये सब कर पाए हो। गलती से किसी जाबाज पाकिस्तानी सिपाही के हाथ में मत पड़ जाना, चीर के रख देगा तुम्हें। तुम्हारे सीने को फाड़ कर उसमें से कलेजे के साथ साथ तुम्हारी सारी देशभक्ति भी निकाल देगा। मेजर विक्रम खटाना ने जवाब दिया, तुम पाकिस्तान के किस जाबाज की बात कर रहे हो? किस पाकिस्तानी चूहे में है इतनी जाबाजी? कमांडर अशरफ बिलाल ने छाती ठोकी और कहा, ऐसा एक जाबाज तुम्हारे सामने खड़ा है, अगर शौक है तो आजमा कर देख लो अपनी ताकत और अपनी देशभक्ति। हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक इसी तरह तुम्हारी हार ने तुम्हें तिल मिला दिया है और तुम वाहियात बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें यह बताना बहुत आवश्यक है कि हिंदुस्तानी सिपाही वो चट्टान होता है जिससे टकरा कर बड़े बड़े जांबाजों के इरादे चकनाचूर हो जाते हैं। और फिर मेजर विक्रम खटाना कमांडर अशरफ की आंखों में झांकते हुए गुर्राया, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी आज दूर कर देता हूं, आओ। एक दूसरे की ताकत को तौलते हुए मेजर विक्रम खटाना और कमांडर अशरफ बिलाल आमने सामने थे। कमांडर अशरफ ने कहा, मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए तूने मुझसे लड़ने का जो इरादा किया है वो तेरी जिंदगी की वो गलती होगी जिस पर तुझे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये कहते हुए कमांडर अशरफ बिलाल वार करने के लिए बिजली की तेजी से उछला, लेकिन वो मेजर विक्रम खटाना के पास पहुंच पाता उससे पहले ही मेजर विक्रम खटाना ने उछलकर अपनी तेज किक उसके सीने पर जड़ दी। वो किसी गेंद की भांति हवा में उछलकर दूर जा गिरा। यही वो क्षण था जब वहां का वातावरण कई विस्फोटों से गूंजने लगा। मेजर विक्रम खटाना के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा, स्टोर रूम में 4 मिनट का टाइमर लगाकर मैंने जो माइक्रो टाइम बॉम्ब लगाए थे उनमें धमाका होना शुरू हो गया है। जल्द ही हजारों टन बारूद इन धमाकों की चपेट में आ जाएगा और फिर ये सारा इलाका नेस्तनाबूद हो जाएगा। ये धमाके तुझे ही खत्म करेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए अपने सिर की तेज टक्कर से मेजर विक्रम खटाना को दूर उछालकर कमांडर अशरफ बिलाल तेजी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ और वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचा। तुरंत उसने उस चट्टान के एक स्थान पर अपना हाथ रखा और अगले ही पल वो बड़ी चट्टान 2 हिस्सों में बढ़ती चली गई और उसके बीच में एक हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया। वो लपक कर उस हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। कुछ क्षणों के बाद ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ऊपर उठते हेलीकॉप्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठे कमांडर अशरफ बिलाल की नीचे झांकती आंखों में जिंदगी की चमक नजर आने लगी। मैं बच गया, अल्लाह का शुक्र है मैं बच गया। तभी अचानक कमांडर अशरफ बिलाल को एक ऊंची चट्टान से हेलीकॉप्टर की तरफ उछलता हुआ कोई दिखाई दिया। वो आदमी पहले हेलीकॉप्टर के बंद होते दरवाजे से लटका और फिर एक झटके में उल्टी कलाबाजी खाकर हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में आ पहुंचा। और अब जब कमांडर अशरफ बिलाल को पूरी तरह से वो आदमी दिखाई दिया तो वो ऐसे उछला जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हिंदुस्तानी, ये तुम हो हिंदुस्तानी? मेजर विक्रम खटाना मुस्कुराकर बोले, हिंदुस्तानी होने के साथ साथ मैं भी तेरी ही तरह अल्लाह का बंदा भी हूं और तेरी ही तरह अल्लाह को यह मंजूर नहीं है कि मेरी मौत नीचे हो। इसीलिए उसने सही समय पर मुझे यह सुझाया कि मैं तुझे भागने दूं ताकि तू यहां से निकलने के लिए इस हेलीकॉप्टर का सहारा ले
और फिर उसी ने मुझे ये तौफीक और ताकत अता फरमाई कि मैं इस हेलीकॉप्टर पर पहुंच सकूं। वैसे एक कारण और है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, वो भी बताऊं? कमांडर अशरफ बिलाल के मुंह से निकला, बताओ बताओ। वो जवाब देने के साथ ही मेजर विक्रम खटाना ने चीते की तेजी से झपट कर कमांडर अशरफ बिलाल की गर्दन को अपनी एक बाजू में दबोच लिया। अल्लाह ने मुझे तेरे लिए वो फरिश्ता मुकर्रर किया है जो तेरी पाक रूह को तेरे नापाक शरीर से निकालेगा। और फिर अगले ही पल हेलीकॉप्टर में तीन घटनाएं एक साथ घटी। मेजर विक्रम खटाना के हाथ में थमे खंजर का तेज वार कमांडर अशरफ बिलाल की गर्दन पर हुआ। उसकी गर्दन एक झटके से उसके शरीर से अलग हो गई और उसकी रूह ने उसके शरीर का साथ छोड़ा। उसी क्षण एक बड़ी घटना नीचे भी घटित हुई। एक भीषण धमाके ने उस सारे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। जो कुछ वहां था वो सब उस भीषण धमाके से मटिया मेट हो गया था। सिर्फ उस हेलीकॉप्टर को छोड़कर जिसे ड्राइव करके मेजर विक्रम खटाना उसे कुछ ही दूर मौजूद उस सैनिक चौकी की तरफ ले जा रहे थे जिस पर शान से तिरंगा लहरा रहा था। दूसरी तरफ रावलपिंडी पाकिस्तान का वो महत्वपूर्ण शहर जहां पाकिस्तानी आर्मी का हेडक्वार्टर मौजूद है। पाकिस्तानी आर्मी के इसी हेडक्वार्टर के एक विशेष और विशाल रूम में उस समय पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उनके मुख्य सचिव, पाकिस्तानी आर्मी के तीनों सेनापति और रक्षा व गृह मंत्रालयों से संबंधित कुछ और लोग भी मौजूद थे। सभी की निगाहें उस वक्त एक तरफ स्थित उस बड़े टीवी की स्क्रीन पर जमी हुई थी जिस पर इंटरनेट की सहायता से एक प्रसिद्ध भारतीय समाचार चैनल चल रहा था और उसके एंकर की आवाज वहां गूंज रही थी। सूत्रों के अनुसार मेजर विक्रम खटाना की जांबाजी का शिकार सैकड़ों पाकिस्तानी सिपाही तो हुए ही हैं, साथ ही वो हजारों टन गोला बारूद भी खत्म हुआ है जिसे पाकिस्तानी सेना भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाए बैठी थी। मेजर विक्रम खटाना के इस बहादुरी वाले काम के लिए भारत सरकार ने उन्हें 26 जनवरी को वीर चक्र प्रदान करने की घोषणा की है। आइए हम मेजर विक्रम खटाना की जांबाजी की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। फिर टीवी स्क्रीन पर मेजर विक्रम खटाना की लाइव तस्वीर और इंटरव्यू आने लगा। इसी के साथ पाकिस्तानी रक्षा मंत्री दिलशोज नवाब ने अपने हाथ में थामी हुई पानी की बोतल को जोर से टीवी स्क्रीन पर दे मारा। टीवी स्क्रीन के चकनाचूर होते ही रक्षा मंत्री दिलशोज नवाब ने राहत की एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बहुत दिनों के बाद टीवी को इस तरह तोड़ने से दिल को राहत महसूस हुई है। मुख्य सचिव ने तुरंत ही रक्षा मंत्री की हां में हां मिलाई। सही फरमाया जनाब ने, ऐसी राहत अक्सर तब महसूस होती है जब हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हिंदुस्तान से हार जाते हैं। रक्षा मंत्री दिलशोज नवाब ने खा जाने वाली नजरों से अपने सचिव को देखते हुए कहा, देखने वाली बात है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई वो पूरी तरीके से प्लान्ड थी। सामने से दिखावे के लिए हमला किया गया और पीछे से मेजर विक्रम खटाना नाम के उस शैतान को ऑपरेशन को सक्सेस करने के लिए भेजा गया। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब दुश्मन को हमारे ठिकाने के चप्पे चप्पे की जानकारी हो, हमारे हर मंसूबे का पता हो। क्या हम गलत कह रहे हैं? पाकिस्तान के थल सेना प्रमुख आबिद जैदी ने रक्षा मंत्री की बात का समर्थन किया। जी नहीं जनाब, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। रक्षा मंत्री बोले, अगर हम सही फरमा रहे हैं तो इस बात का जवाब दीजिए जनाब की हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बनाई गई वो स्पेशल चौकी, उसका चप्पा चप्पा और उस चौकी को बनाए जाने का हर मंसूबा पूरी तरह से सीक्रेट था। यहां तक कि इस चौकी पर मौजूद हमारे सिपाहियों को भी हमारे मंसूबे की खबर नहीं थी, तो फिर दुश्मनों को उसकी खबर कैसे मिली? इस स्पेशल रूम में जिसमें कोई खिड़की नहीं है, जिसके दरवाजों और दीवारों का ऐसा साउंड प्रूफ बनाया गया है कि अगर यहां बम का धमाका भी हो तो उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती, तो यहां बनाए गए किसी मिशन का ब्लूप्रिंट ज्यों के त्यों किसी के हाथ कैसे लग गया? मुख्य सचिव गंभीरता से बोला, हमें इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए सर। इंक्वायरी तो होगी यकीनन,
यकीनन होगी, लेकिन हमने ये मीटिंग सिर्फ यही बात सुनने के लिए नहीं बुलवाई है, बल्कि इसलिए बुलवाई है कि हमारी चौकी के तबाह हो जाने की वजह से हिंदुस्तान, जो हमारे सिर पर चढ़कर नाच रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो किरकिरी हो रही है, हम उसकी भरपाई कैसे करें? और मेजर विक्रम खटाना नाम के उस हिंदुस्तानी का क्या करें? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे हिंदुस्तान के रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी को ना सिर्फ वीर चक्र से नवाजा जा रहा है, बल्कि उसे ऑपरेशन पाक साफ के मिशन की वो फाइल भी सौंपी जा रही है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा। तभी जवाब देने के लिए आर्मी चीफ आबिद जैदी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मोहतरम जनाब, हमारी पाकिस्तानी आर्मी में भी एक ऐसा लोहा है जो मेजर विक्रम खटाना नाम के उस हिंदुस्तानी लोहे को न सिर्फ काटेगा बल्कि उसका चूरमा बना देगा। उसका नाम और उसका कारनामा जल्द ही आपके सामने होगा। पुलवामा मिलिट्री आर्मी बेस के अंदर मौजूद सेलिब्रेशन हॉल, कश्मीर की वादियों में मौजूद पुलवामा आर्मी बेस का सेलिब्रेशन हॉल इस समय इंडियन आर्मी के उन सिपाहियों से भरा हुआ था जो खुशियां मनाने में व्यस्त थे। कारण था उनके बेस के बहादुर सिपाही मेजर विक्रम खटाना का नाम भारत के सबसे बड़े बहादुरी पदक वीर चक्र के लिए सिलेक्ट होना। इस सेलिब्रेशन में शामिल हर छोटा बड़ा सिपाही मेजर विक्रम खटाना को बधाई देने से नहीं चूक रहा था। तो वहीं ठीक उसी समय उस मिलिट्री बेस के एंट्रेंस गेट पर मौजूद हथियारबंद सिपाहियों के सामने पहुंचे 55-60 साल के उस व्यक्ति को एक सिपाही प्यार से समझाने का प्रयास करते हुए कह रहा था, देखिए हमने माना कि आप मेजर विक्रम खटाना के पापा रमेश खटाना हैं। आपने हमें अपनी सारी आइडेंटिटीज भी दिखा दी हैं, लेकिन फिर भी हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मिलिट्री बेस है। यहां बहुत रेयर केस में ही किसी सिविलियन की एंट्री हो पाती है। सिपाही की बात सुनकर रमेश खटाना नामक उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से कहना शुरू किया, देखो बेटा आप समझ नहीं रहे हैं, मैं मेजर विक्रम खटाना का एकमात्र जीवित रिलेटिव हूं, उसका पिता हूं, हार्ट अटैक की 3rd स्टेज का मरीज हूं और जम्मू के मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में भर्ती हूं। इस हालत और सर्दी के इस खतरनाक मौसम में भी मैं अस्पताल के डॉक्टरों से बहुत रिक्वेस्ट करके 3 घंटे की छुट्टी सिर्फ इसलिए लेकर आया हूं कि मैं अपने बेटे मेजर विक्रम को गले लगाकर उसके किए इस कारनामे की बधाई दे सकूं। सिपाही ने जवाब दिया, ऐसी हालत और ऐसे मौसम में आपने बहुत रिस्क लिया अंकल जी, आप चाहते तो मेजर साहब को अपने पास भी बुला सकते थे। हां मैं बुला सकता था और बुलाया भी था, लेकिन कमबख्त अपने बिजी मिलिट्री शेड्यूल का वास्ता देकर मुझसे अस्पताल में मिलने नहीं आया। अरे वो बेटा है ना, रुक सकता है, लेकिन मैं तो बाप हूं, मैं नहीं रुक पाया, इसीलिए उससे मिलने यहां चला आया, और आप हैं कि मुझे उससे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। अरे भाई मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए अंदर जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उसे अपने गले लगाऊंगा और वापस आ जाऊंगा बस। देखिए अंकल जी आप समझ नहीं रहे, बूढ़े रमेश खटाना ने सिपाही की बात काटी, समझ तुम नहीं रहे बेटा, विक्रम अभी कुछ देर बाद दिल्ली चला जाएगा, सुना है वहां उसे फिर किसी मिशन पर भेजने की तैयारी चल रही है, अगर ऐसा है तो वो फिर कई महीनों तक वापस नहीं आने वाला, और मैं हार्ट अटैक के 3rd स्टेज का मरीज हूं। इस बीच डॉक्टरों का कहना है कि मुझे किसी भी समय कोई मेजर हार्ट अटैक आ सकता है और फिर शायद मेरी जान ना बचे। तुम इसे इस तरह समझ लो कि मैं अपने बेटे को
अंतिम बार देखने की इच्छा कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे अंदर विक्रम से मिलने के लिए जाने दो। लेकिन देखो बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अभी तुमने कहा कि रेयर केस में ही कोई सिविलियन इस मिलिट्री बेस में एंटर हो सकता है। अब बताओ, मुझसे बड़ा रेयर केस और क्या होगा? मेरी प्रॉब्लम रेयर नहीं, रेयरेस्ट है। ये कहते कहते रमेश खटाना की आंखों में आंसू भर आए। एक मेजर के पिता की आंखों में आए आंसुओं ने उस सिपाही को ये कहने के लिए विवश कर दिया। आप रोइए नहीं अंकल जी, रुकिए, मैं अंदर बात करता हूं। सेलिब्रेशन हाउस में अपने फौजी साथियों के साथ मौज मस्ती करते मेजर विक्रम खटाना के पास बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा पहुंचे और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, आपके पापा आपसे मिलना चाहते हैं, वे बेस के एंट्रेंस गेट पर खड़े हैं। यह सुनकर मेजर विक्रम खटाना चौंक पड़े। ओ माय गॉड, आखिर पापा ने अपनी जिद पूरी कर ही ली। जम्मू मिलिट्री बेस हॉस्पिटल के अस्पताल से उन्होंने मुझे फोन किया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उनसे मिलने अस्पताल नहीं पहुंचा तो वे स्वयं मुझसे मिलने यहां बेस पर आ जाएंगे। और लीजिए, वो मुझसे मिलने यहां पर आ ही गए, न मौसम देखा और न अपनी हालत। बेस कमांडर ने कहा, वेल, अब क्या करना है? सर, एक तो पापा बहुत जिद्दी हैं और ऊपर से मैं 2 साल से उनसे मिला भी नहीं हूं। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं, लेकिन इस मिलिट्री बेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस। मिलिट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस सख्त जरूर हैं मेजर, लेकिन इतने भी नहीं कि एक बाप को उसके बेटे से मिलने से रोक सके। मैं आपके पापा के लिए सिविलियन एंट्री पास रिलीज कर रहा हूं, आप 10 मिनट में विजिटर रूम में जाकर उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। बट वन मोर थिंग, अपने पापा से थोड़ा जल्दी फ्री होना। ठीक 20 मिनट बाद वो हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा जो आपको लेकर दिल्ली रवाना होगा। ओके सर, मैं टाइम का ध्यान रखूंगा। थोड़ी देर बाद सिविलियन हॉल में दाखिल होते ही मेजर विक्रम खटाना दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठे अपने पापा को देखकर खुशी से झूम उठे। पापा! ये कहते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने पीछे से ही अपने पापा को दोनों बाजुओं में भरकर खुशी से बोला, पापा, पापा, आपको यहां देखकर मैं कितना खुश हूं बता नहीं सकता। अरे आप तो पत्थर की तरह अकड़े बैठे हैं, लगता है अभी तक गुस्सा है। गुस्सा थूक दीजिए, पलटिए और अपने बच्चे को अपने गले से लगाइए। इतना कहकर मेजर विक्रम खटाना अपने पापा के सामने आए और तभी विक्रम खटाना के मुंह से कुछ हैरानी भरे शब्द निकले, ओह नो! कुछ ही मिनटों में सिविलियन विजिटर हॉल मेजर विक्रम खटाना की तेज चीख से गूंज उठा, हेल्प, हेल्प! मेजर विक्रम खटाना की चीख पर सिविलियन विजिटर रूम के आसपास मौजूद कई सिपाही उस तरफ दौड़ पड़े। अंदर से मेजर विक्रम खटाना हड़बड़ाए हुए भागते नजर आए। एक सिपाही मेजर विक्रम खटाना से बोला, क्या हुआ सर, एनी प्रॉब्लम? मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है, एम्बुलेंस बुलवाओ जल्दी। तुरंत कई सिपाही एम्बुलेंस का प्रबंध करने के लिए दौड़ पड़े, जबकि मेजर विक्रम खटाना एक बार फिर सिविलियन विजिटर रूम की तरफ भागे। इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कई सिपाही भी थे। सिविलियन विजिटर रूम के अंदर पहुंचते ही मेजर विक्रम खटाना ने झपट कर फर्श पर पड़े अपने पापा रमेश खटाना को संभाला। पापा, पापा, अब ठीक तो है ना पापा? ओह नो, पापा तो बेहोश हो गए। फिर उन्होंने रमेश खटाना की नब्स चेक की और बोले, सांसें तो चल रही हैं, एम्बुलेंस का क्या रहा? सर, खबर कर दी गई है, आती ही होगी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक यही वो पल था जब वहां का वातावरण हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनकर एक सिपाही मेजर विक्रम खटाना से बोला, जो हेलीकॉप्टर आपको दिल्ली लेकर जाएगा वो आगे है सर। मेजर विक्रम खटाना गुस्से से बोले, हेलीकॉप्टर माय फुट, इस समय मैं अपने पापा को देखूं या हेलीकॉप्टर को? व्हाट अ रबिश टॉक मेजर खटाना। तभी वहां पर आ पहुंचे बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा। वो बोले, तुम्हारे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते मेजर विक्रम खटाना,
तुम कब से परिवार को देश से ऊपर समझने लगे? सर, कभी नहीं समझा विक्रम खटाना ने, कभी भी देश के सामने परिवार को अहमियत नहीं दी है। आप जानते ही हैं सर, मैंने अपने परिवार के सभी सदस्यों को हंसते हंसते देश पर कुर्बान किया है। सारी दुनिया जानती है कि जब एक सीक्रेट फाइल हासिल करने के लिए देश के दुश्मनों ने मेरे परिवार के लोगों की जान का सौदा किया था, तो मैंने अपने परिवार को खो जाने दिया, लेकिन उस सीक्रेट फाइल को बचा लिया। आज जानते हैं, सब जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि परिवार के सदस्य के नाम पर अब सिर्फ तुम्हारे पापा ही जिंदा बचे हैं। यस सर, लेकिन इस हालत में ये कब तक जिंदा बचेंगे? ऐसे में शायद पापा को मेरी बहुत जरूरत होगी, इसीलिए मैं पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता सर। तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। हमने यहां पहुंचने से पहले एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया था, और उसकी मदद से तुम्हारे पापा को जल्द ही जम्मू बेस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हाथों में सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा। बट सर, अपने पापा की हालत के बारे में ज्यादा मत सोचो मेजर। तुम यहां नहीं भी रहोगे तब भी तुम्हारे पापा डॉक्टरों के हाथों में सेफ रहेंगे, लेकिन अगर तुम दिल्ली नहीं पहुंचे तो देश सुरक्षित नहीं रहेगा। मेजर विक्रम खटाना ने एक नजर बेहोश पड़े अपने पापा पर डाली और दूसरी उस हेलीकॉप्टर पर जो उसे दिल्ली ले जाने के लिए आया था। ठीक तभी एयर एम्बुलेंस की आवाज भी वहां गूंजने लगी, जिसे सुनकर बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा जल्दी से बोले, तुरंत फैसला लो मेजर, यहां पर एक ही हेलीपैड है, तुम्हें लेकर यह हेलीकॉप्टर यहां से उड़ेगा, तभी एयर एम्बुलेंस वाला हेलीकॉप्टर यहां लैंड करेगा। क्विक क्विक। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि किसी के पास भी सोचने का ज्यादा समय नहीं था। मेजर विक्रम खटाना ने भी सोचने में ज्यादा वक्त खराब नहीं किया। एक पल बाद ही वो उस हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ पड़े जो उन्हें लेने के लिए आया था। मेजर विक्रम खटाना के हेलीकॉप्टर में सवार होते ही हेलीकॉप्टर ने उड़ना शुरू कर दिया। उसी के साथ बेस कमांडर चीफ सुरेश राणा और दूसरे सिपाही एयर एम्बुलेंस को लैंड करवाने में व्यस्त हो गए, और इसी व्यस्तता के कारण कोई भी हेलीकॉप्टर में सवार मेजर विक्रम खटाना के चेहरे पर आती उस कुटिल मुस्कान को न देख सका, जो किसी के चेहरे पर तभी आती है जब उसकी सोची हुई शैतानी योजना अचानक सफल हो जाती है।